15 अगस्त का दिन जब पूरे देश आजादी का जश्न मना रहा था, उस समय राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के रहने वाले भारतीय सेना का जवान लादूलाल सुखवाल देश की रक्षा करते हुए लेह लद्दाख में -0°C पर अपना जान को कुर्बानी दे दिए। शहादत की सूचना जैसे ही फोन करके अधिकारियों ने इनके परिजनों को दिए तो पूरे घर पर मातम पसरा हुआ है। पूरे क्षेत्र इलाके में गमगीन का माहौल बन चुका है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के रहने वाले भारतीय सेना का जवान लादूलाल सुखवाल देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण को आहुति दे दिए। लद्दाख में कार्यरत जवान लादूलाल सुखवाल चित्तौड़गढ़ जिले के राश्मी उपखंड का रुद्र गाँव के रहने वाले थे। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि उनकी पोस्टिंग लद्दाख में थी। मंगलवार को सेना के अधिकारियों ने लादूलाल के पिता को उनकी शहीद होने की जानकारी दी। खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। पूरे क्षेत्र में गमगीन का माहौल बन चुका है। पूरे गांव में सन्नाटा पसर चुका है। हालांकि मौत के कारण को खुलासा नहीं किया गया है। फिलहाल कार्डियक अरेस्ट होने की प्रारंभिक बात की जा रही है। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त के कारण जवान का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था। बुधवार का पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीर इनके पैतृक गांव में सेना के विशेष वाहन से भेजा जाएगा, जहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद जवान लादूलाल वे 3 महीने पहले घर आया था, लेकिन पत्नी से वादा की थी कि जल्द ही घर आऊंगा, लेकिन दुख की बात यह कि यह जवान अब तिरंगे में लिपट कर घर पर पहुंचेगा। बताया जा रहा है कि यह जवान 16 राजपूत रेजिमेंट में भर्ती था, जो कि देश की सेवा देते हुए लेह लद्दाख में मात्र 32 वर्ष की उम्र में यह जवान देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण को आहुति दे दिए। शहीद जवान लादूलाल सुखवाल बताया जा रहा है कि 1 वर्ष बाद सेना से रिटायर लेता, लेकिन दुख की बात यह है कि यह जवान देश की रक्षा करते हुए 15 अगस्त का दिन, जिस दिन हमारे देश के अनेकों लोग आजादी का जश्न मनाते हैं, पूरे देश जश्न मनाते हैं, उस दिन यह जवान -0°C पर लेह लद्दाख में अपने प्राण को आहुति दे दिए। शहादत से पूरे परिवार परिजनों को रो रो कर हालत बेहद ही बेहोशी बन चुका है। शहीद जवान बीते कई वर्षों से लगातार देश की सेवा देते आ रहे थे, लेकिन दुख की बात यह है कि यह जवान 32 वर्ष की उम्र में देश की सेवा देते हुए अपने प्राण को आहुति दे दिए। शहीद जवान लादूलाल सुखवाल अपने पीछे पूरे परिजनों को छोड़कर यह जवान देश की रक्षा करते हुए 15 अगस्त का दिन अपने प्राण को आहुति दे दिए। लेह लद्दाख में पोस्टेड थे, जो कि बताया जा रहा है कि 3 महीने पहले ही घर आया था और पत्नी से वादा की थी कि जल्द ही घर आऊंगा, लेकिन दुख की बात यह है कि यह जवान देश की रक्षा करते हुए लेह लद्दाख में शहीद हो गए हैं। शहादत से पूरे क्षेत्र इलाके में गमगीन का माहौल बन चुका है। कल शहीद जवान के सेना के विशेष वाहन से पार्थिव शरीर के पैतृक निवास स्थान पर पहुंचाया जाएगा, जहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। वाकई में दोस्तों, जब कोई फौजी देश के लिए शहीद होते हैं, बलिदान होते हैं, तो दिल नहीं आत्मा भी तड़प तड़प कर होते हैं। अगर शहीद जवान लादूलाल सुखवाल के लिए आप लोग को जरा सा रिस्पेक्ट हुआ, कमेंट में जय जरूर लिखना। मैं भगवान से विनती प्रार्थना करता हूँ, शहीद जवान लादूलाल सुखवाल का आत्मा को शांति दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन की शक्ति दे। अगर चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि शहीद जवान के अंतिम यात्रा में हजारों दस हजारों जन सैलाब उमड़े और सभी नम आंखों से विनम्रपूर्ण भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे।